नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैट इन्फोवीज में। आज हम बात करेंगे अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन की, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन की। यह ट्रेन अमृतसर से पटना साहिब तक चलती है। यह ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन ही चलती है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। यह मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का नंबर है 12318। यह ट्रेन 23 घंटे 55 मिनट में अपना सफ़र तय करती है और जो टोटल डिस्टेंस यह कवर करती है वो है 1380 किलोमीटर। बात करते हैं इसके टिकट किराए की, तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास अवेलेबल है। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 3855 रुपये, सेकंड एसी का किराया है 2250 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1555 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 585 रुपये। यह अपडेट किराया नहीं है दोस्तों। अपडेट किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेशनों की, तो यह ट्रेन अमृतसर से 3 नंबर प्लेटफॉर्म से मंगलवार और शुक्रवार के दिन रवाना होती है 5:55 पर, और इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है ब्यास, जहाँ पर ये 6:23 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने अगले स्टेशन जालंधर सिटी की ओर रवाना होती है, यहाँ पर ये 7 बजे पहुँचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है लुधियाना जंक्शन, जहाँ पर ये 7:55 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इसका जो अगला स्टेशन है वो है सिरहिंद जंक्शन, जहाँ पर ये 9:08 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद इसका अगला स्टेशन आता है अंबाला कैंट, जहाँ पर ये 10:05 पर सुबह पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। अगला स्टेशन है इसका सहारनपुर, जहाँ पर ये 11:35 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। अगला स्टेशन आता है इसका नजीबाबाद जंक्शन, जहाँ पर यह दोपहर के 1:05 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह अपने अगले स्टेशन मुरादाबाद पहुँचती है 2:40 पर और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है बरेली, जहाँ पर यह 4:15 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है लखनऊ, जहाँ पर यह 8:05 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है सुल्तानपुर, जहाँ पर ये 10:21 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन वाराणसी जंक्शन की ओर रवाना होती है, यहाँ पर ये 1:05 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है मुगलसराय जंक्शन, जहाँ पर ये 2:25 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 13 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है पटना जंक्शन, जहाँ पर ये 6:05 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला जो स्टेशन आता है दोस्तों वो है पटना साहिब, जहाँ पर ये 6:34 पर पहुँचती है और यहाँ तक ये अपनी पटना साहिब तक की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर चुकी होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।